हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। तो आज हम बनाएंगे चावल की खीर, जो कि बहुत ही आसान है इसे बनाना। और मैं इसे सिर्फ दो चीज़ों से ही बनाऊंगी, दो चीज़ों से ही बहुत ही अच्छा गाढ़ा खीर बनकर तैयार होगा। तो आप भी इसे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो, सिर्फ दो चीज़ों से बिल्कुल गाढ़ा खीर और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। तो आइए इस खीर को हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर चावल लिया है। तो चावल हमने यहाँ पर बासमती का यूज किया है, और इसे नापने के लिए हम इसे तीन मुट्ठी लेंगे। इस तरह से अपने हाथों से हम तीन मुट्ठी भरकर चावल ले लेंगे। तो यहाँ पर हम 1.5 लीटर दूध से बनाएंगे खीर। तो 1.5 लीटर दूध के लिए आप तीन मुट्ठी चावल ले लें। इस तरह से चावल को हम डायरेक्ट दूध में नहीं डालेंगे, पहले हम चावल को हल्का सा पीस लेंगे। मिक्सी में डालकर हम इसे 4 से 5 सेकंड के लिए ही पीसेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 सेकंड के लिए हम मिक्सी चला लेंगे। चावल जो है उसके 2 से 3 टुकड़े हो जाएं, बस इतना ही हमें मिक्सी चलाना है। ये देखिए, इस तरह से चावल हल्का से टूट गए हैं। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसे ये देखिए, बस हमने इसे 4 से 5 सेकंड के लिए ही मिक्सी को चलाया था, और इस तरीके से चावल जो हैं वो टूट गए हैं। ये देखिए, तो बस इतना ही इसे मिक्सी चलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले पानी लेंगे और चावल को 2-3 बार अच्छे पानी से धुल लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए, इस तरह से पानी डाल लेंगे और थोड़ा सा इसे अपनी उंगलियों से इसे मलकर धुल लेंगे। 2-3 बार हमें इसे पानी से धुल लेना है, ताकि चावल जो है अच्छे से साफ़ हो जाए। ये देखिए, इस तरह से तो इस तरह से धुलने के बाद हम इसका पानी हटा देंगे और फिर से इसमें पानी डालेंगे, फिर से इसी तरह से धुलेंगे। इसी तरह से हम 2-3 बार इसे धुल लेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पर चावल को अच्छे से धुल लिया है, चावल अच्छे से साफ़ हो गया है। इसके बाद हम गैस पर दूध चढ़ा देंगे। तो हमने पहले से ही दूध को चढ़ा कर रखा हुआ है गैस पर, ये देखिए। तो आप कोशिश करिए खीर बनाने के लिए फुल फैट मिल्क का ही यूज करें, फुल फैट मिल्क से बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनती है। तो यहाँ पर हमने 1.5 लीटर दूध को लिया है, दूध में उबाल आ चुका है। तो अब हम इसमें चावल डालेंगे। तो दूध में उबाल आने के बाद ही आपको चावल डालना है। ये देखिए, इस तरह से हम चावल को डाल देंगे दूध में। चावल डालने के बाद हम इसे चलाएँगे, ताकि चावल जो है नीचे से जले नहीं, नहीं तो एक ही जगह बैठकर चावल जो है वो जलने लगता है। इस तरह से हमें इसे चला देना है, और इसे मीडियम फ्लेम पर ही छोड़ देना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे खुला ही छोड़ देंगे पकने के लिए, ताकि चावल जो है वो अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर इसमें अच्छे से उबाल आ गया है। अब इसे हम इस तरह से बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसे चावल को छोड़ देंगे पकने के लिए। तो जब तक चावल अच्छे से पक नहीं जाता है, हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे लो फ्लेम पर। इस तरह से बहुत ही अच्छे से दूध जो है उबल रहा है। ये देखिए, हमने इसे 5 मिनट तक उबाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर, आप चाहें तो यहाँ पर केसर का भी यूज कर सकते हैं। हमने बहुत थोड़ा सा येलो फूड कलर इसमें डाल दिया है, और इसे अच्छे से मिला देंगे कलर को, ताकि इसमें बिल्कुल लाइट कलर आ जाए, लाइट येलो कलर। ये देखिए, चावल जो है बहुत ही अच्छे से पक गया है, और ये चावल बहुत ही जल्दी पक जाता है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो चावल के पकने के बाद ही आपको चीनी डालना है, अगर आप चीनी पहले डाल देते हैं तो चावल जो है वो पकता नहीं है। और चीनी को अच्छे से मिला देंगे, ये देखिए, और बहुत ही गाढ़ा हमारा खीर बन रहा है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ चावल और दूध ही डाला हुआ है, इसे बहुत ही गाढ़ा बन गया है हमारा खीर। इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे काजू और बादाम, और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे चिरौंजी, और इन सभी चीज़ों को मिला देंगे। ड्राई फ्रूट आप अपने मनपसंद से डाल सकते हो, जो आपको पसंद हो, इसमें कम ज़्यादा जो भी आपको पसंद हो इसमें डाल सकते हो, जो नहीं पसंद है उसे आप हटा सकते हो। और 2 इलायची लिया है हमने, इसे कूट कर इसमें डालेंगे हम, और अच्छे से मिला देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर इलायची का पाउडर ले सकते हैं।
ये देखिए इस तरह से मिला देना है सभी चीज़ों को, और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे और पका लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे पका लिया है। खीर जो है बहुत ही अच्छा हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरह से बहुत ही गाढ़ा खीर हमारा बना हुआ, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना हुआ है, और इसे बनाना बहुत ही आसान है। हर कोई इस तरह से बनाकर तैयार कर सकता है। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ना ही ज़्यादा मेहनत लगती है, फटाफट से ये बनकर तैयार हो जाता है। अब हम इसे सर्व करेंगे। इस तरह से सर्विंग बाउल में हमें इसे सर्व कर लेना है। ये देखिए कितना स्वादिष्ट, कितना गाढ़ा खीर बना हुआ है। इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला है इसे गाढ़ा करने के लिए, सिर्फ चावल का ही यूज किया है। थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश करेंगे। ये देखिए कटे हुए बादाम या काजू आप जो भी चाहें इसमें यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने पिस्ता लिया है, इसे भी गार्निश करेंगे। और ये गुलाब की पंखुड़ियाँ हमने लिया है। ये देखिए इससे खीर हमारा जो है देखने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए यहाँ पे हमारा खीर जो है बनकर तैयार हो गया है। और हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपना कीमती टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।